वो 1066 क्या आग चैप्टर था वे, इतना इन्फॉर्मेशन भाई, करोड़ थ्योरीज बनेगी अब इस चैप्टर के बाद, बहुत कुछ है बात करने के लिए। लेट्स बिगिन। पहले तो लेट्स टॉक अबाउट रॉबिन। रॉबिन थ्रू आउट द चैप्टर इमोशंस के रोलर कोस्टर में राइड करते हुए दिखी है। आई वंडर वो मुझ पे कब राइड करने वाली है। वेल, रॉबिन का एक काफ़ी तगड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें फ्यूचर में देखने मिल सकता है, क्योंकि सॉल जिंदा है। ये वेल, इट्स नॉट दैट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने हमेशा से ये एक पॉसिबिलिटी दिमाग में रखा था कि सॉल जिंदा हो सकता है। आई मीन भाई, आओ किसी ने लूफी, रॉबिन, डॉफी, जोजू, इन सबको भी बर्फ बनाया था ना, फिर भी ये लोग जिंदा थे, मरे नहीं थे, इसलिए सॉल भी जिंदा होगा, मुझे ऐसा लगा था। एंड आई एम श्योर ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं था, बहुत थे मेरे जैसे ही, आई एम डैम श्योर। बट जो मेन रीज़न था ना कि क्यों मैं इस टॉपिक पे कभी इन डेप्थ तो सोचा नहीं, दैट वॉज कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ जाता था कि सॉल अगर जिंदा होगा भी तो क्यों होगा। एंड इसी चीज़ का आंसर हमें इस चैप्टर में मिल गया है कि क्यों सॉल का जिंदा होना स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सॉल नहीं होता तो ओहारा वालों ने जो रिसर्च किया था वो वहीं पर बर्बाद हो जाता। सॉल माई गाय ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया अच्छे से। इधर पे आउकीजी के लिए भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। उस बंदे ने सॉल को बचाने के लिए रॉबिन को तक नहीं बताया भाई कि सॉल बच जाएगा। भाई कूडोज टू दिस गाय। अब इस चीज़ से मैं एकदम ही ज़्यादा श्योर हो गया हूँ कि एलबेफ आर्क आएगा, उस सब के डेवलपमेंट के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि रॉबिन के डेवलपमेंट के लिए भी। और इस चैप्टर के थ्रू हमें जैंट्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है फ्यूचर में ये भी पता चल गया है। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले जाइंट्स भी। अब क्या आउकीजी ने यहाँ पे जानबूझ के इसलिए सॉल को जिंदा छोड़ा ताकि वो ओहारा के बुक्स को बचा सके? आई डोंट नो, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं था। आउकीजी ने सॉल को बचाया बिकॉज सॉल एक अच्छा आदमी था, सॉरी जाइंट था, एंड उसका दोस्त था। बाय द वे, इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड मेरे पे एक मस्त वाला थ्योरी है जो कि जल्दी ही मैं लाने वाला हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रैगन। अब जिस वे में ओडा ने ड्रैगन को ओहारा से कनेक्ट किया, आई लव्ड इट। रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने का डिसीजन ड्रैगन ने ओहारा इंसिडेंट के बाद ही लिया था। वैसे ड्रैगन वेगापंक वाला जो फ्लैशबैक था उसको देख के वी कैन डेफिनेटली टेल कि वेगापंक और ड्रैगन एक दूसरे को पहले से जानते थे, और वेगापंक के वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाने से पहले ही ड्रैगन ने उसको इन्वाइट किया था अपने उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स का पार्ट बनने के लिए, बट वेगापंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। इस चीज़ के पता चलने से मेरे ये वाले थ्योरी के होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। इस टाइम तक वैसे ड्रैगन के चेहरे में उसका आइकॉनिक टैटू नहीं था भाई। आई वंडर वो टैटू कैसे आया, मतलब भाई कहाँ से आया। वैसे वेगापंक और ड्रैगन के एज में सिर्फ 10 साल का ही डिफरेंस है, फिर भी वेगापंक को सब बुढ़ा बोलते हैं लमाओ। आई रियली थॉट वेगापंक मस्त 90-100 साल का बंदा होगा, बट ये तो भाई गार्ब से भी छोटा है भाई, फिर भी इसको बुढ़ा बोलते, और गार्ब को कोई बुढ़ा नहीं बोलता एक्सेप्ट लूफी लमाओ। वेगापंक कर ही रहे, तो चलो वेगापंक के बारे में ही बात करते हैं। तो फाइनली 1066 चैप्टर्स बाद हमें वेगापंक का चेहरा दिखी गया। डैम। एंड भाई व्हाट शुड आई से, भाई बंदा एल्बर्ट आइंस्टाइन और व्हाट भाई। वैसे एक चीज़ जो तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि वेगापंक के फ्लैशबैक में एक भी बार हमने वेगापंक के बड़े से सर को सामने से कम्प्लीटली नहीं देखा। उस पूरे फ्लैशबैक में वेगापंक का सर छुपा रखा है ओडा ने। आई थिंक उसका रीज़न ये एप्पल है जिसे हमने लास्ट पैनल में देखा है। ये क्या एप्पल है वैसे, न्यूटन आइंस्टाइन मिक्स किया है क्या ओडा ने वेगापंक को बनाने के लिए, पता नहीं। बट दिस एप्पल माइट बी अ बिग रीज़न कि क्यों वेगापंक हद जीनियस है। ये एप्पल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नॉलेज स्टोर करता है, वो नॉलेज जो वेगापंक चाहता है स्टोर करना। इट्स अ डेविल फ्रूट पावर आई थिंक। एंड फ्लैशबैक में वेगापंक का इतना बड़ा सर शायद इसलिए था क्योंकि उस टाइम उसने काफ़ी नॉलेज ऑलरेडी भर रखा था, इसलिए ड्रैगन ने भी बोला था कि तेरा सर पहले से थोड़ा बड़ा हुआ है। और अभी ये सर शायद इतना छोटा इसलिए क्योंकि अभी वेगापंक ने अपने अलावा 6 पंक्स को बना लिया है। अरे हाँ, मैं अभी तक बोल रहा था ना कि वेगापंक नरूटो के पेन जैसा नहीं है, उससे अलग है काफ़ी, क्योंकि पेन भाई 6 के 6 वो जो भी थे उसको कंट्रोल करता था, वेगापंक कंट्रोल नहीं करता। आई वॉज टोटली राइट, बट मुझे लगा था कि वेगापंक ने खुद को ही 6 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, एंड मैं गलत था। टर्न्स आउट वेगापंक ने कुछ और ही किया है। ये अजीब है बहुत, पता है। एक पॉसिबिलिटी जो मेरे दिमाग में आया वो ये है कि वेगापंक ने खुद के बड़े ब्रेन को 6 पंक्स में स्प्लिट कर दिया है, एंड ये 6 पंक्स ओरिजिनल वेगापंक एज वेल एज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है,
एंड शायद पूरी दुनिया को सिर्फ ये 6 पंक्स के बारे में ही पता है, ना कि ओरिजिनल वेगा पंक के बारे में कि वो भी एग्जिस्ट करता है। उसने अपने आप को 6 में डिवाइड नहीं कर लिया है, उसने अपने आप को 7 में डिवाइड कर लिया है इन अ वे, शायद पता नहीं आई, विच इज़ वाई शायद CP0 भी सिर्फ 6 पंक्स को मारने की बात कर रही थी। अगर ऐसा केस है तो फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर रियल वेगा पंक मर गया तो फिर क्या बाकी 6 पंक्स भी मर जाएंगे? मोस्ट लाइकली नहीं, क्योंकि वो 6 के 6 पंक्स भाई खुद का दिमाग कैरी करते हैं। पता नहीं, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एंड हमें एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता चला इस चैप्टर में कि वेगापंक को वो हर चीज़ के बारे में पता है जो ओहारा वालों ने रिसर्च करके पता लगाया था। मतलब हमें जल्द ही जायंट और एंशिएंट किंगडम का वो नाम पता चल सकता है जिसको बोलने से पहले ही ग्लोवर चीचक को CP वाले ने गोली मार दिया था। अब ये अभी पता चलेगा या बाद में पता चल रहा भाई, करोड़ साल बाद पता चल रहा, लेकिन ये पता तो चलेगा ही एंड डेफिनेटली वेगापंक के थ्रू ही चलेगा। एंड रॉबिन को अब वो सारे पोनेग्लिफ्स के इन्फो का एक्सेस भी मिलेगा जो ओहारा वालों ने खोजा था, जिससे ऑब्वियसली वॉइड सेंचुरी के बारे में हमें और ज़्यादा पता चलेगा। अब वेगापंक रॉबिन को एक्जैक्टली क्या दिखाने वाला है, आई वॉन्ट टू नो। ऐसा हो सकता है कि वेगापंक वो सेम आर्मर ही दिखाएगा जिसके पास लूफी है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें कुछ और दिखने वाला है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि लूफी लोग का इन लोगों के साथ तुरंत रियूनियन हो जाएगा। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि वेगापंक को कैसे पता चला कि लूफी आएगा और वेगापंक को लूफी से क्या काम है। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है कि भाई वेगापंक रॉबिन को दिखाए, हो सकता है अभी रॉबिन को भाई वेगापंक वो सारे पोनेग्लिप्स दिखाएगा जो ओहारा वाले ने खोजा था, मे बी। भाई बहुत कुछ जानना है मुझे अब इस चैप्टर के बाद, पता है इस रीज़न से ये चैप्टर मुझे काफ़ी मस्त लगा। जो वन पीस थोड़ी सी बोरिंग होने लग गई थी ना, वो फिर से इंटरेस्टिंग लगने लग गई है बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, आई एम हैप्पी। एक पर्टिकुलर सीन जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो था कि कैसे बाकी स्ट्रॉ हैट्स वेगापंक पे भड़क गए थे जब रॉबिन रोने लग गई थी। तो इससे मुझे पिछले चैप्टर का एक सीन याद आ गया जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया था लास्ट चैप्टर वाले वीडियो में, दैट पर्टिकुलर सीन जिसमें रॉबिन जिनबे सेराफिम पे भड़क गई थी। डैम, गूज़बम्प्स वाला मोमेंट था भाई वो, एंड ये वाला भी। बाकी तो आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द एंशिएंट आर्मर टू। और हाँ, सॉल को वेगापंक ने जायंट्स का कैप्टन क्यों बोला, ये भी मुझे जानना है। क्या सॉल एक स्पाई था? आई डोंट थिंक सो, फिर भी उसको कैप्टन बोलना, वाओ वियर्ड भाई, बहुत वियर्ड। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में आज सुनने मिलेगी। बाय द वे, 2 थ्योरी वीडियोस आ रही है, तो अभी मैंने क्लियरली नहीं बोला ना, अब क्लियरली बोल रहा, अब नेक्स्ट वीडियो में ही आवाज़ सुनने मिलेगी। तो बाय बाय।